अभी पता चला महोदय कि जो मंत्री है, एक मंत्री है, नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, उनके एक कैंपस से जमीन से कई बोतलें बरामद हुई है महोदय, कई कार्टन बरामद हुई है। मुजफ्फरपुर से ही जीत के आते हैं महोदय, लेकिन मुजफ्फरपुर से ही जीत करके आते हैं मंत्री जी। रामसूरत राय जी के जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, उनके कैंपस से महोदय मुजफ्फरपुर में थी। ये तो अति महत्वपूर्ण विषय है महोदय कि सरकार में जो लोग हैं, सत्ता में जो लोग हैं, वो लोग भाग रहे हैं महोदय जवाब देने से। नेता प्रतिपक्ष को ज्ञान की कमी है। नेता प्रतिपक्ष से मेरा कहना है कि आप अपने मुजफ्फरपुर जिला के जितने भी माननीय आरजेडी के विधायक हैं या आपके गठबंधन के विधायक हैं, आप सभी लोगों से पता करवा लें और मेरे परिवार के बारे में और मेरे बारे में कहीं भी किसी भी तरह का कोई गलत व्यापार रोजगार हम लोग नहीं। मैं वही राम का मूर्त रामसूरत हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव के पूरे परिवार अपने परिवार को गलियारे में झांक के देख ले, चोर के दाढ़ी में तिनका, जो खुद गलत करता दूसरे को गलत समझता है। मेरा परिवार, मेरा खानदान आज तक न कोई गलत काम किया है न करता है। गुनाह सिर्फ इतना है, जो जांच में आएगा, कार्रवाई होगी, मैं कहना चाहूँगा वह ज़मीन मेरे छोटे भाई के नाम से है, जिसका बंटवारा 10 साल 12 साल पहले हो चुका है, और वह ज़मीन एक स्कूल विद्यालय को दिया गया था, छोटा सा जो गांव में झोपड़ी कोचिंग चलाता है उनको दिया गया था। कोरोना काल के समय में वो पति पत्नी या कोई रह करके वहाँ पढ़ाते भी थे, दारू उतरवाए और वो दारू पकड़ाया भी, और वो व्यक्ति अरेस्टिंग भी हुआ, स्वीकार भी किया। उसमें हमारी क्या दोष है? ज़मीन मेरे नाम से, मेरे सैकड़ों जगह ज़मीन है, सब जगह लोग होटल चलाते हैं, व्यापार करते हैं, तो ये जाँच का विषय है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को मैं कहना चाहूँगा, किसी मुद्दा को उठाने से पहले अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, मुजफ्फरपुर जिले के सभी, वो हमारे एनडीए के नहीं, अपने गठबंधन के लोगों से जांच करवा लें, और न पेट भरे तो अगल बगल के जिला से पूछ लें, और न पेट भरे तो सदन से जांच करवा लें, उच्च स्तरीय जाँच करवा लें, तब मेरे ऊपर उंगली उठाए। जो उंगली उठाया खुद धराशाही हो जाएगा। आपने कहा कि जिसके घर खुद शीशे के होते हैं, बस बस बस, तो गलत काम करने वाला को तो पता रहता है ना, बस से ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, अब ज्यादा मत कहो। एक सवाल कि सदन के अंदर अब सोमवार को वक्त निर्धारित किया गया इस पूरे मामले पर बहस के लिए। नहीं, वो तो सदन की कार्यवाही चलती रहती है, पक्ष विपक्ष बैठते ही रहते हैं, मुद्दा उठता ही रहता है, सदन की कार्यवाही चले। और शराबबंदी को लेकर मतलब कहा गया कि शराबबंदी सरकार मामले में, जिसमें कहा गया कि आपका सरकार का, मेरा कोई विद्यालय नहीं है भैया, मेरा कोई विद्यालय नहीं है, ना कोई जमीन मेरे नाम से है, वो छोटे भाई के नाम से जमीन है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। और हमारे भाइयों की बंटवारा मेरे पिताजी की जिंदगी में ही और 2009-10 में ही हो गया था, कोर्ट से भी हो चुका है, और उससे कोई मतलब नहीं है। अगर साथ भी भाई है तो भाई है, वो मेरा छोटा भाई जरूर है, लेकिन कहीं हम लोग गलत काम नहीं करते हैं। वो जो पकड़ाया है दारू बेचने वाला लोग, वो जेल में भी। सदन में भी इस बात का जवाब दीजिएगा आप तेजस्वी को। अगर मुझे समय मिला तो डंके की चोट पर जवाब दूंगा मैं। तेजस्वी को बता दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मर्द का औलाद हूँ।